अरे एक मेरे को बात बताओ, 3 साल बाद तुम कह रहे हो मैंने अपनी माँ को देखा, तो वीडियो कॉल भी नहीं करते, ऐसा क्यों? सर घर में एंड्रॉइड फोन नहीं है सर। अरे यार ये भी। यहाँ पे मैं बैठता हूँ और इनको देखता हूँ तो मतलब मन में ऐसा लगता है कि काश मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे बैठे और मेरा भी परफॉर्मेंस देखे। वो दिन दूर नहीं है, आएगा, जल्द आएगा। मैं मतलब जब आया था बॉम्बे तो बहुत दिक्कत हुई मेरे को, पर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके साथ बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि घर में कुछ अच्छा बना है तू कैसे कुछ खा लेना खरीद के, तो मैंने मतलब उस दौरान मैंने उनको झूठ बोल दिया कि मैंने बोला अरे हम तो खाते रहते हैं ऐसा, हम लोग हफ्ते में 2-3 बार मैं ऐसे खाते रहता हूँ बाहर से खरीद के, और उनको पता है कि मैं बाहर से खरीद के खाता हूँ, उनको ये सब नहीं पता। जब मैं शो में आया तो उनको पता चला कि मैं लंगर में खाना खाता हूँ, तब ये बात सिर्फ मेरे कजन को पता था, उन्होंने उनको पूछा तो उसने बताया कि हाँ वो लंगर से खाता है, और फिर मतलब मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा और मुझे मतलब मैं आज अगर कमज़ोर पड़ गया तो वो भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन वो मम्मी है ना, उनको दुख तो होता है, तो आज मम्मी को सॉरी भी बोल दो, मैं चाहती हूँ कि आपकी मम्मी स्माइल करे। हाँ बहुत नाराज हैं, नाराज मत होइए दिव्य से, वो उन्होंने आपको बहुत तकलीफ में देखा है इसलिए और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। मतलब फर्स्ट में देख सकता नहीं था लेकिन आप फर्स्ट देखते सामने। हाय कितनी प्यारी हैं, उनको बोलिए ना प्लीज स्माइल करें हमके हमारे लिए प्लीज। तो एक तो आशी दो। हाय क्या बात है, दिव्य हैप्पी। मेरी मम्मी को पता है कि मेरे को चिकन कितना पसंद है, मैं यहाँ पे मेरे को मतलब खाने को नहीं मिलते, पर जब मेरे को शो में चांस मिला मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ऐसा, मतलब शो से मेरे को ऐसा होटल पे रखा है ऐसा खाने को मिल रहा है मेरे को, दिन में कभी मैं 4 वक्त खाना खाया ही नहीं हूँ पहली बार। बॉम्बे आने के बाद देखा कि हर कोई बच्चा अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि मॉम आई लव यू, डैड आई लव यू, पर हम लोग ऐसी जगह से ना कभी हम लोग बोल नहीं पाए, हम लोग मतलब मैं आज बोलना चाहूंगा, मैं बोल दे माँ हम तुम्हारे को भला भाई। जन्म जन्म तेरा विश्वास माँ, जन्म जन्म रहूं मैं तेरे पास माँ, इन ख्वाहिशों इन कोशिशों से पहले तो मगर मेरे दिल में रहती थोड़ी बार मेरी माँ। ठीक है माता जी, सब ठीक, आपको मिलके बेटा का ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी बोलना चाहती है कि सब मिलके अपने बेटे का ख्याल रखने की। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, बेटा बिल्कुल सही जगह है और बहुत बढ़िया कर रहा है, जोरदार तालियां। थैंक यू मम्मी जी। यार आयुष्मान ये जो स्ट्रगल्स है बड़ी मुश्किल है यार। मनीष पता है हम ना फिर भी प्रिविलेज्ड है, हमारी फैमिलीज वेल टू डू हैं, जब मुंबई भी आए थे तो फिर कुछ ऐसे दोस्त थे, हमारे दोस्त भी ऐसे तो जो हमें रख सकते थे अपने घर पे, पर वो उस तबके से आता है जहाँ पर उसके ऐसे ना कोई दोस्त है ना कोई जानने वाला है, अपने बल पर उसने सब कुछ किया है। तो यार जर्नी तो इसकी है, बिल्कुल तो ज्यादा इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच सर। एब्सोल्युटली मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं आपके बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके बिल्डिंग में काफी बार गया हूँ ऑर्डर देने के लिए, ए बी सी डी सभी ब्लॉक में मैं ऑर्डर दिया हूँ, पर मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट आपका घर कौन से में है। ओह स्वीट, बड़ा स्वीट, थैंक यू। मैंने आपको एक बार जाते हुए देखा था आपके कार में, पर मेरे को मतलब बिल्डिंग पता चल गया पर घर कौन सा है पता नहीं चला, पर आज आपके सामने परफॉर्म करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैं तेरे को शो के बाद बताता हूँ मेरा कौन सा विंग है घर पे, चिकन खाने जरूर आना, चिकन पसंद है ना तुझे, मैं खिलाऊंगा।
क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां एंड थैंक यू सो मच दीपे फॉर अ लवली परफॉर्मेंस यार। चाहिए प्लीज टेक योर सीट। अरे पंकज सुनना, मेरे स्टूडेंट्स जिंदगी का मतलब पूछ रहे हैं, तेरे हिसाब से जिंदगी कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जिंदगी में उतार चढ़ाव होनी चाहिए, तभी जिंदगी का मजा है। कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब? रुक अभी समझाता हूँ। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता। और हाँ सुन सुन, जिंदगी में थोड़ा ठहरा भी होना चाहिए। तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में, कोरा जो पन्ना रह गया एक थापते से हाथ में, थोड़ी शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना हो ना तू जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। ये देख जिंदगी क्या है, जीतना हारना सीखना और कोशिश करते रहे। इसी तरह उतार चढ़ाव के साथ और थोड़े ठहराव के साथ हमारी जिंदगी इन धड़कनों की तरह होनी चाहिए। और दोस्त जिंदगी कभी सीधी नहीं होनी चाहिए, अगर सीधी हो गई तो हमारी धड़कनों की तरह ये भी थम सी जाएगी। और जिंदगी में तुम्हारे जैसे दोस्त होने चाहिए। कुछ तो बता कुछ तो बता। आयुष्मान क्या कहना है यार, ये जो सीख मिल गई है ना इनकी, इनको देखकर, एक तो सीख मिली है कि आप मतलब इतने इंस्पायरिंग हो, दूसरी सीख मिली है जो आपने बताया इस गाने के जरिए, मतलब मुझे अपनी जर्नी याद आती है इनको देखकर, कि मुझे लगता है कि बिना हार के आप कुछ जीत ही नहीं सकते। सक्सेस इज अ वेरी लाउजी टीचर, फेलियर इज योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। मतलब जब तक आप हार नहीं देखोगे आपको जीत का मजा आ ही नहीं सकता। और जो जीता है वो कभी ना कभी बहुत बार हारा है। करेक्ट। और जितनी जल्दी आप जिंदगी में हार देख लें उतना आपके लिए संभलना आसान हो जाता है जिंदगी में। और मैंने बहुत हार देखी है, और आपकी जो जर्नी है आप डिलीवर करते हैं उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग। Congratulations guys, you were absolutely brilliant. Thank you so much. Pankaj, आज तक आपने दिब्बे को हमेशा छुपा के रखा है, in the sense आप कभी भी ना आपने sync में choreography बहुत कम की है, आज आपने साथ नाचा है and दिब्बे आपके साथ मतलब कदम से कदम मिला के नाचा है। What an improvement दिब्बे! Thank you so much. बहुत खूबसूरत मोमेंट्स थे, एक कार्टवील किया उन्होंने, अपना सर आपके घुटनों पे रख कर अपना कंधा उसके ऊपर टिका कर उन्होंने कार्टवील किया, बहुत अच्छे, दिल खुश कर लिया आपने। मैं दिल से बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू मैम। दिब्बे ये जो गाना था आज अपने मुद्दा उठाया, जो यू नो पंकज ने कोशिश की दिखाने के लिए कि ना हार जीत उतार चढ़ाव,
आपकी लाइफ में भी ये सेम चीज चल रही है, आप इसका प्रतीक हो एक्चुअली। मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज लगी जो जैसे एंड में आपने कहा ठहराव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज आपके डांसिंग में वो ठहराव दिखा। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप भी टॉप 5 में शामिल हो जाओगे। क्या बात, क्या बात, अरे क्या बात है, बहुत बड़ी बात आप। ये मुझे फीलिंग आ रही है बिकॉज जो मेहनत कर रहा है ना उसको देख रहा है वो सब। यस, आई वांट टू से दिस वाज अ चुमेश्वरी एक्टर इन दुबई मेरे लिए। मैं एक बार तुझे हक करना था, तुम्हें इतनी एनर्जी मिलती है तुझे हक करके। सो आई वांट टू हग यू एंड दिस इज फॉर यू माय डियर। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब आप, मैं आपको देखती हूँ, बिकॉज आई फील जिस तरह से आपने इतनी आपने मेहनत आपने की है आपके परफॉर्मेंसेज में, हर हफ्ते हम कुछ कहते आ रहे हैं, आप कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन यू ट्राइड एवरी सिंगल टाइम, पैर टूट गया फिर भी आपने ट्राई किया, एंड दैट फॉर मी इज अ ट्रू फाइटर। आप उस चीज के लिए और मेहनत करोगे। क्या बात है दिबे, यहाँ से सब अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कोई है जिनको शिकायत है तुमसे और वो बहुत नाखुश भी है, कौन हो सकता है? दिबे मिलाऊं? सर जरा वीडियो कॉल लगाया जाए, ये देखें बहुत बड़ी कंप्लेंट है आपके लिए। जी हाँ, ये है दिबे की माताजी, एक बार जोरदार तालियां मम्मी जी के लिए। नमस्कार। नमस्कार आंटी। नमस्ते माताजी, क्या शिकायत है दिबे से? क्या कह रही है? एक्चुअली वो कह रही है कि अभी अगर डिब्बो को मिलती तो झाड़ू से मारती उसको। माता जी क्यों? क्यों? क्योंकि वो बताया कि लंगर पे खाता था जो, वो बताया नहीं कभी भी घर पे। वो खुददार है ना इसलिए। তখন বালাপুরা খাইলে তার কথা মনে হইতো, এত লঙ্গর খাইতো ওটাও আর কি, কষ্ট লাগতো, কষ্ট লাগতো, ও দুঃখ মিলতি থি উসকো। মতলব জব ভি ঘর পে কুছ পকানা মতলব পকাতি থি উসকা ইয়াদ আতা থা সব সময়। मैं आज बहुत खुश हूँ कि 3 साल बाद मैंने मम्मी को देखा है और